जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद उदय मित्र। दोस्तों आज इस वीडियो में हम 29 अक्टूबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेके आए हैं जो कि दोस्तों वनलाइनर के फॉर्म में है। तो चलिए दोस्तों हम अध्ययन करते हैं, किस राज्य में 34 चिल्ड्रेन फ्रेंडली पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो दोस्तों ओडिशा राज्य ने 34 चिल्ड्रेन फ्रेंडली पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है। आगे दोस्तों देखते हैं कि किसे सर्वश्रेष्ठ शैक्षिक फिल्म 2021 का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है। तो दोस्तों सैयद सुल्तान अहमद को सर्वश्रेष्ठ शैक्षिक फिल्म 2021 का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है। आगे दोस्तों देखते हैं कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने शिलांग डिब्रूगढ़ सेक्टर पर पहली सीधी उड़ान का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों वो केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय जो नागरिक उड्डयन मंत्री है वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया। कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन्होंने शिलांग से डिब्रूगढ़ सेक्टर पर पहली सीधी उड़ान का उद्घाटन किया है। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि 28 से 30 अक्टूबर तक भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों 28 से 30 अक्टूबर तक भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। और दोस्तों हम देखते हैं कि भारतीय मूल की अनीता आनंद हाल ही में किस देश की नई रक्षा मंत्री बनी है। तो दोस्तों भारतीय मूल की अनीता आनंद हाल ही में कनाडा देश की नई रक्षा मंत्री बनी है। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड कमेटी ने नीरज चोपड़ा सहित कितने खिलाड़ियों का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 के लिए प्रस्तावित किया है। तो दोस्तों नेशनल स्पोर्ट अवार्ड कमेटी ने नीरज चोपड़ा सहित 11 अन्य खिलाड़ियों का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 के लिए प्रस्तावित किया है। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पहली बार हमारी आकाश गंगा के बाहर एक ग्रह का पता लगाया है। तो दोस्तों नासा जो अंतरिक्ष एजेंसी है इन्होंने पहली बार हमारी आकाश गंगा के बाहर एक ग्रह का पता लगाया है। और दोस्तों नासा जो ये कहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी है तो ये अमेरिका की है। आगे दोस्तों हम देखते हैं कल्याण कुमार को किस बैंक का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों कल्याण कुमार को पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि किस कंपनी के साथ मिलकर राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने स्किल इंडिया इम्पैक्ट बॉन्ड लॉन्च किया है। तो दोस्तों ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट के साथ मिलकर राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने स्किल इंडिया इम्पैक्ट बॉन्ड लॉन्च किया है। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन लॉन्च किया है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन लॉन्च किया है। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।